गाइस, वेलकम बैक टू पैसा इन्वेस्टो। आज हम इक्विटी डेरिवेटिव सीरीज का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स। ये चैप्टर बहुत मिनिमम मार्क्स का है, सिर्फ 2 मार्क्स का ये चैप्टर है। अगर आप सिर्फ बेसिक भी इसके समझ लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, जस्ट बिकॉज कि फ्यूचर वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इंडेक्स से रिलेटेड टर्म्स यूज होती हैं, और ऑप्शन वाला भी जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी इंडेक्स से रिलेटेड टर्म्स यूज़ होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। बाकी ओनली सिर्फ 2 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा अगर कम ज़्यादा भी हुआ तो चलेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि हमको इसमें से कौन कौन सा पढ़ना है, ठीक है। हमको फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स पढ़ना है, देन सिग्निफिकेंस पढ़ना है, देन टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस पढ़ना है, देन एट्रीब्यूट्स पढ़ना है इसके, देन इंडेक्स मैनेजमेंट पढ़ना है, और मेजर इंडाइसेस पढ़ना है इंडिया में जितने भी हैं उसके, और एप्लीकेशन पढ़ना है इंडेक्स की। फाइन, सो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इंडेक्स का मीनिंग आपको क्या पता है? अगर मैं हिंदी में बात करूं इंडेक्स, तो हम इसको सूची बोल सकते हैं, है ना? सूची मतलब क्या? लिस्ट। ओके, और या फिर हम इसको सूचांक भी बोल सकते हैं। सूचांक मीन्स क्या? इंफॉर्मेशन। ओके, सो फाइनेंशियल मार्केट में जो इंडेक्स होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको स्टॉक मार्केट इंडेक्स, तो स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है, ओके, तो ये क्या होता है? लिस्ट होता है। किसकी लिस्ट होती है? स्टॉक्स की लिस्ट होती है। और ये क्या प्रोवाइड करता है? स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? कुछ वैल्यू के फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये अंकों के द्वारा हमको या वैल्यू के द्वारा हमको बताता है कि ये जो स्टॉक्स हैं ये अप मूवमेंट दे रहे हैं या डाउन मूवमेंट दे रहे हैं। अब ये अप और डाउन कैसे हमको पता लगेगा? अगर इंडेक्स अप मूवमेंट देगा तो हमको पता लगेगा कि जो स्टॉक्स हैं, मैक्सिमम स्टॉक, वो अपसाइड मूव कर रहे हैं, और अगर इंडेक्स डाउन साइड मूवमेंट देगा तो हमको पता लगेगा कि जो मैक्सिमम स्टॉक हैं, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, वो डाउन साइड मूवमेंट दे रहे हैं। ओके, सो अब एक बार हम इसकी जो डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन, वो समझ लेते हैं। बट उससे पहले आपको ये समझ में आया कि इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स मतलब कॉम्बिनेशन होता है लिस्ट ऑफ कंपनीज का। ओके, और ये लिस्ट ऑफ कंपनीज कौन सी होती हैं? जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, और ये क्या प्रोवाइड करती हैं? स्टॉक प्राइजेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फाइन, सो हमें इसकी प्रैक्टिकल डेफिनेशन देख लेते हैं या थ्योरेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं कि इन अ केस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एन इंडेक्स इज अ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज दैट प्रेजेंट अ पर्टिकुलर मार्केट और अ पोर्शन ऑफ मार्केट। मतलब या तो कोई पर्टिकुलर मार्केट हो सकता है, वो पूरा एक क्लस्टर हो सकता है, या फिर वो पोर्शन ऑफ मार्केट हो सकता है। मतलब कि उसमें से कुछ नंबर ऑफ सिक्योरिटीज को ही वो इंक्लूड करें और उन सिक्योरिटीज के बिहाफ पे वो इंडेक्स का फॉर्म करें, ठीक है। और इसका हमको पता कैसा लगता है? जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि NSE एक्सचेंज का जो इंडेक्स है, ओके, सो उसको हम निफ्टी 50 बोलते हैं, मे बी आपने सुना होगा, है ना? अब निफ्टी 50 कल क्लोजिंग देती है 11,200 पे, ओके, ये क्लोज होती है 11,200 पे, और आज ये 5 अगस्त को
और आज के 6 अगस्त को ओपन होती है 11,400 पे, मतलब +200 पॉइंट ओपन हुई है। तो इससे हम क्या बता पा रहे हैं कि जो मार्केट है उसमें तेजी आई है, बाजार फायदे में काम कर रहे हैं। और अगर यही 11,200 से निफ्टी 11,150 पे ओपन होता है, मतलब -5 पॉइंट में ओपन हुआ, तो इससे हम क्या पता लगा पाते हैं कि मार्केट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर नुकसान में ट्रेड कर रहा है। तो एक्चुअल इंडेक्स जो है वो एक इंडिकेटर के तरह काम करता है। और इसकी कैलकुलेशन करने की अलग अलग मेथोडोलॉजी है, अलग अलग तरीके हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी इंडेक्स क्या होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो इंडेक्स वो होता है जो स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके उनका उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसमें? अंकों के द्वारा, वैल्यू के द्वारा उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब और अगर बात करें हमारे इंडियन मार्केट की, ठीक है, इंडियन मार्केट में हमारे पास में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये जो BSE है इसका जो मेन इंडेक्स है वो कौन है? सेंसेक्स है, ठीक है। और इसका जो मेन इंडेक्स है वो निफ्टी है। अब सेंसेक्स की मैं बात करूं तो इसमें जो BSE में लिस्टेड टॉप 30 कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप जो है वो सबसे हाई है, सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप है, तो वो टॉप 30 कंपनी इस उनको मिला के ये सेंसेक्स इंडेक्स बनाया गया। और अगर निफ्टी 50 की बात करें तो जो टॉप 50 कंपनी है NSE की, नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज की, जिनका मार्केट कैपिटल सबसे हाईएस्ट है 50 कंपनीज का, उनको मिला के ये निफ्टी 50 इंडेक्स बनाया गया है। अब BSE में देखा जाए तो 6,000 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं लिस्टेड, और NSE में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 5,000 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं NSE में। तो ऐसा नहीं कर सकते कि 5,000 लिस्टेड कंपनी का एक इंडेक्स बना दिया जाए या 6,000 कंपनी का एक इंडेक्स बना दिया जाए। इससे क्या होगा ना कि कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी और आपको समझने में भी बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि इतने सारे सेक्टर्स की कंपनीज हैं अलग अलग, तो हम 5,000 6,000 कंपनीज का नहीं बना सकते। प्लस कुछ कंपनियां नई लिस्टेड होती हैं, कुछ कंपनियां पुरानी लिस्टेड होती हैं, तो सब अलग क्राइटेरियाज पे अप या डाउन मूवमेंट देती हैं। तो इस वजह से कुछ लिमिटेड कंपनीज होती हैं जिनका कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किया जाता है, और अगर वो उस क्राइटेरिया के अंदर आ रही हैं तो उनको इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है। अगर वो इंक्लूड होते हुए उस क्राइटेरिया में नहीं आती तो उनको बाहर कर दिया जाता है, और जो नई कंपनियां होती हैं उनको इंडेक्स में इंक्लूड कर लिया जाता है। अब ये क्राइटेरिया क्या होता है, जब हम एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी कि ये ऐसे कौन से 2 क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे इंडेक्स बनाया जाता है। नेक्स्ट हम सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स पढ़ेंगे कि लाइक इंडेक्स किस तरीके से यूज होता है। तो फर्स्ट वन है इंडिकेटर, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कैसे बिहेव करता है, एज अ इंडिकेटर बिहेव करता है, मतलब स्टॉक इंडेक्स जो रहेगा वो परफॉर्मेंस बताएगा ओवरऑल मार्केट की, ठीक है, अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। क्योंकि क्या होता है कि इंडेक्स जब भी फॉर्म होता है तो उसमें डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज होती हैं, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज होती हैं। अब सेक्टर्स कौन कौन से हो गए, तो आपको अगर पता होगा तो FMCG होता है, फूड एंड ब्रिवरेजर्स, सॉरी CG है ना, फिर ऑयल कंपनीज हैं, ठीक है, फिर बैंक्स हैं, फिर IT कंपनीज हैं। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर की जो टॉप कंपनीज होती हैं वो इंडेक्स में इंक्लूड होती हैं, है ना। तो अगर टॉप कंपनीज ही प्लस मूव कर रही हैं तो ऑब्वियस है कि वो अपनी जो सपोर्टिव कंपनीज हैं उनको सपोर्ट देंगी, अगर टॉप कंपनीज ही डाउन मूवमेंट दे रही हैं तो वो अपनी सपोर्टिव कंपनीज को उसमें नेगेटिव उनके साथ में मूव करेंगी। सो इंडेक्स क्या होता है, एज अ इंडिकेटर
यूज होता है, सेकंड एज अ बेंचमार्क यूज होता है। अब ये बेंचमार्क कहाँ पे यूज होता है, अगर आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना है तो म्यूचुअल फंड्स के जितने भी फंड मैनेजर्स होते हैं वो किसी ना किसी इंडेक्स को ही अपना बेंचमार्क मान के और रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि एक्सिस का कोई फंड है, फॉर सपोज ब्लू चिप फंड है, ठीक है, तो इस ब्लू चिप फंड का जो बेंचमार्क है वो सेंसेक्स है, ठीक है। अब सेंसेक्स है, फॉर सपोज अगर एक साल में सेंसेक्स ने 10% का रिटर्न दिया, तो अब यहाँ पे फंड मैनेजर जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इसको 10% से ज़्यादा का रिटर्न देना पड़ेगा फंड में, अदरवाइज लोगों को क्या लगेगा कि फंड अच्छे से रिटर्न्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो उसकी अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फंड में अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करवाए या फिर जो उसका बेंच मार्क है उससे ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करवाए, तो दैट मीन्स फंड प्रॉपर चल रहा है या फिर क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहा है, ठीक है। एंड थर्ड वन होता है अंडरलाइन। अब अंडरलाइन किस तरीके से यूज होता है ये, तो अंडरलाइन जैसे अगर आपने मेरा बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स अभी तक नहीं समझा है तो मैं टॉप ऑफ दी वीडियोस का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, एक बार आप डेरिवेटिव्स के बेसिक समझिए तो आपको अंडरलाइन ईजिली समझ में आएगा। अब एज अ अंडरलाइन कैसे यूज होता है, तो अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, ठीक है, तो निफ्टी जो है उसका एक स्पॉट प्राइस चलता है, या हम इसको बोल सकते हैं कि अंडरलाइन प्राइस चलता है, और एक इसका फ्यूचर चलता है, ठीक है। अब निफ्टी स्पॉट पे ट्रेड नहीं होते हैं, मतलब आप चाहोगे कि निफ्टी में बाय और सेल करूं तो आप स्पॉट में ट्रेड नहीं कर सकते, बट आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो निफ्टी पे, ठीक है। तो अब ये जो फ्यूचर का जो प्राइस डिसाइड होगा ये किससे डिराइव्ड होगा, उसके अंडरलाइन से डिराइव्ड होगा, ये हमने डेरिवेटिव्स के बेसिक में पढ़ा था। तो निफ्टी एज अ अंडरलाइन बिहेव कर रही है, निफ्टी का जो अंडरलाइन है वो किसकी वैल्यू को डिराइव्ड कर रहा है, उसके निफ्टी के फ्यूचर की वैल्यू को डिराइव्ड कर रहा है। तो इस तरीके से जो इंडेक्स है वो एज अ अंडरलाइन भी वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने तीन चीज सीखी कि जो इंडेक्स है वो क्या क्या कैसे कैसे बिहेव करता है। फर्स्ट एज अ इंडिकेटर बिहेव करता है कि मार्केट अप डाउन अप चल रहा है या डाउन चल रहा है। फिर एज अ बेंचमार्क बिहेव करता है कि लाइक मार्केट जो भी फंड है तो वो मार्केट उसका जो बेंचमार्क है उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर रिटर्न्स प्रोवाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और थर्ड वन इज अंडरलाइन, वो एज अ अंडरलाइन बिहेव करता है कि जो जो भी फ्यूचर है उसका उसकी जो प्राइस डिसाइड होगी वो किसके बेसिस पे डिसाइड होगी, जो भी अंडरलाइन में प्राइस चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। देन अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडाइसेस। ये थोड़ा सा टफ है बट फिर भी आप अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सो टाइप्स ऑफ इंडाइसेस, नॉर्मली फोर टाइप्स के इंडाइसेस होते हैं। एक मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स होता है, सेकेंड वन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स होता है, थर्ड वन प्राइस वेटेड होता है, और फोर्थ वन इक्वली वेटेड होता है, ठीक है। सो सबसे जो सिंपल है वो इक्वली वेटेड इंडेक्स है। मैं आपको सबसे पहले ये समझाती हूँ, इक्वली वेटेड का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी 5 कंपनीज ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक ए ले लेती हूँ, एक बी ले लेती हूँ, एक सी ले लेती हूँ, एक डी ले लेती हूँ, एक ई ले लेती हूँ, ठीक है। अब जो ए का प्राइस चल रहा है वो 50 का चल रहा है, जो बी का प्राइस चल रहा है वो 100 का चल रहा है, सी 50 चल रहा है, डी जो है वो 100 चल रहा है, और ई जो है वो 200 चल रहा है, ठीक है। तो इक्वली वेटेड इंडेक्स में क्या किया जाता है कि इन सब जो कंपनीज हैं इन सब के प्राइस को टोटल किया जाता है, ठीक है, इन सब के प्राइस को टोटल किया जाता है। अब हम अगर टोटल करके देखेंगे तो 100, 100, 200, 300, 300 + 200, 500, अब 500 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका जो इंडेक्स यहाँ पे बनेगा जो उसकी वैल्यू क्या क्या डिफाइन होगी, 100 डिफाइन होगी। अब
एक कंपनी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, फॉर सपोज ये हो जाती है 100, ठीक है, बी कंपनी की वैल्यू उतनी ही रहती है, सी कंपनी की वैल्यू 150 हो जाती है, और डी कंपनी की वैल्यू कम हो जाती है, 50 हो जाती है, सी कंपनी ई कंपनी की वैल्यू जो है वो 200 से 100 पे आ जाती है। अब जो डेली बेसिस का मैं बता रही हूँ कि कैसे इंडेक्स को ये लोग कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो हमने पहले के प्राइसिंग से यहाँ पे इसको इक्वली वेट करके और डिवाइड कर दिया था टोटल नंबर ऑफ कंपनीज से, तो अब वापस से जो नया प्राइस यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है इसको ये लोग फिर से इसको प्लस करके और डिवाइड कर देंगे 5 से, मतलब 100, 200, 350, 400 और 500, जो तो ये इक्वल आ गया, इसको 300 कर देते हैं, है ना। तो अभी कितना आ गया 600, और 600 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो यहाँ से जो भी वैल्यू निकल के आएगी आई थिंक 120 आएगी, तो वो क्या हो जाएगी, इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी। मतलब अभी हम इससे क्या अंदाज लगा रहे हैं कि जो ऑन एन एवरेज जो कंपनीज की वैल्यू है वो क्या हो रही है, अप साइड मूव कर रही है। ऑब्वियसली ये सिर्फ एक ही कंपनी की वैल्यू गिरी, बाकी सबकी बढ़ गई या फिर वहीं पे रही, तो ये इक्विवेटेड इंडेक्स होता है, ठीक है। देन हम मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स समझते हैं अब, ठीक है। अब ये वाला जो इंडेक्स होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो सबसे पहले आपको मार्केट कैप समझना होगा। तो अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो मार्केट कैप क्या होता है, जो नंबर ऑफ टोटल शेयर्स हैं, ठीक है, आप उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे शेयर के प्राइस से तो आपको मार्केट कैप मिल जाएगी। अब ये मार्केट कैप निकालने के बाद में जो हमने इक्वली वेटेड में किया था, तो उस तरीके से उसका पहले वेटेज निकालते हैं। फॉर सपोज अगर 5 कंपनीज हैं, है ना, और 5 कंपनीज हैं तो टोटल कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का उनका मार्केट कैप आ रहा है, ठीक है। तो और जो एक ए कंपनी है उसका मार्केट कैप आ रहा है फॉर सपोज 20,000 रुपीज का, ठीक है। तो इसका हम अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन वेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 20,000 को डिवाइड करेंगे 1 लाख के साथ में, ठीक है, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या रहेगी, अराउंड आई थिंक 0.2 आएगी। तो 0.2 जो है ये वेटेज है, किसका वेटेज है, इस ए कंपनी का वेटेज है इस इंडेक्स में, ओके। सो इस तरीके से जो है मार्केट मार्केट वेटेज इंडेक्स की कैलकुलेशन की जाती है। देन जो प्राइस वेटेड इंडेक्स होता है वो बहुत सिंपल है, जिस तरीके से हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाली थी, तो हम मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं निकालते हैं, हम जो प्राइस हैं तो सारे कंपनी के प्राइजेस को सम करते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर एक कंपनी का जिसका भी निकालना है, फॉर सपोज सबका प्राइस मिला के यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 10,000 की, ठीक है। और जो ए कंपनी है इसकी जो वैल्यू है वो 150 रुपीज़ है, ठीक है। तो अब इसका अगर मुझे प्राइस वेट निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 150 डिवाइडेड बाय 10,000, तो यहाँ से ये इसका प्राइस वेट आ जाएगा आई थिंक 0.015 का प्राइस वेट आएगा, मतलब जो टोटल इंडेक्स है उसमें इसका प्राइस वेटेज कितना है, 0.05% का है, और परसेंट से निकालना है, हाँ सॉरी परसेंट से निकालना है तो आप ~100 कर दीजिए तो 1.5% आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंडेक्स की फॉर्मेशन होती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स जो कि हमारे इंडियन मार्केट में हम यूज़ करते हैं वो है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन आता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स पे, नॉर्मली इसका फॉर्मूला ही वो लोग पूछ लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिक्योरिटीज या नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस। अब ये प्राइस कौन सा प्राइस होगा, जो कि शेयर मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड है और उसका जो प्राइसिंग में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर
शिफ्ट होंगे। अब इसको फ्री फ्लोट क्यों बोला जाता है? फ्री फ्लोट इसलिए बोला जाता है कि आज प्राइस 100 रुपये चल रहा है किसी कंपनी का, तो कल हो सकता है 200 रुपये चलेगा। तो अब मार्केट कैप 100 रुपये से 200 रुपये पे चला गया, हो सकता है साल भर बाद वो 500 रुपये हो जाए। तो अब मार्केट कैप क्या हुआ? फ्लो हो गया 500 रुपये पर। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद वो 500 रुपये से वापस 100 रुपये पर आ जाए, तो फिर 100 रुपीज़ का हो जाएगा। तो फ्री फ्लोट हो रहा है, जैसे जैसे उसकी सब डिमांड एंड सप्लाई कम या ज़्यादा हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में उसका फ्री फ्लोट हो रहा है, जिससे कि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हो रही है वो चेंजेस हो रही है। तो हमने कितने टाइप्स के इंडेक्स पढ़े? 4 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स, सेकेंड वन इज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स, प्राइस वेटेड इंडेक्स और इक्वल वेटेड इंडेक्स। और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स जो होता है वो नॉर्मली प्रैक्टिस किया जाता है इंडियन मार्केट में। आप चाहें तो कहीं पे ये नोट कर लीजिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि निफ्टी 50 जो इंडेक्स है वो किस बेसिस, किस टाइप का इंडेक्स है? तो वहाँ पे 4 ऑप्शन में से एक फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का ऑप्शन होगा। ओके, देन नेक्स्ट हमको पढ़ना है एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडेक्स, मतलब इंडेक्स किस क्राइटेरिया पे जो है हम गुड इंडेक्स, मतलब इंडेक्स एक अच्छा इंडेक्स बोल सकते हैं किस क्राइटेरिया पे। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये क्या रिफ्लेक्ट करता है। तो हमने ये पहले भी पढ़ा था कि ये मार्केट बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब मार्केट अप जाएगा या डाउन, ये हम इंडेक्स को देख के पता कर सकते हैं कि मार्केट की कंडीशन क्या है, है ना। तो ये मार्केट की कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है या फिर मार्केट के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। और ये कंप्यूटेड होता है थर्ड पार्टी एंड बी फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस एनी मार्केट पार्टिसिपेंट, मतलब इसमें किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होता। यहाँ पे आप एक चीज नोट कीजिए कि जो हमारा निफ्टी 50 है या फिर निफ्टी वाले जितने भी इंडेक्स हैं या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी इंडेक्स हैं, तो ये सारे इंडेक्स की जो कैलकुलेशंस हैं या इन सारे इंडेक्स को जो डिफाइन करती हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट कंपनी है जो कि NSE इंडेक्स लिमिटेड है। ठीक है, तो यही कंपनी जो है ये पूरा ध्यान रखती है कि इंडेक्स जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करे, उसकी मेथोडोलॉजी को प्रॉपर तरीके से उसका कैलकुलेशन किया जाए और उसमें कुछ भी फ्रॉड या अनबैलेंसिंग ना हो, बिकॉज हर सेकंड्स में प्राइसिंग चेंज होता है, आप समझ सकते हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर है जो निफ्टी 50 की या अदर इंडेक्सेस की प्राइस को डिफाइन कर रहा है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, अगर गलत हुआ तो वो यहाँ पे फ्रॉड केसेस हो सकते हैं। तो इसलिए ये एक पर्टिकुलर एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाई है, एक सेपरेट कंपनी बनाई है, जिससे कि जो कि पूरा क्या बोलना चाहिए कि पूरा कैलकुलेशन करती है ओके इंडेक्स का, कि इंडेक्स के कैलकुलेशन में कुछ भी फ्रॉड या अनबैलेंसिंग ना हो, और इट शुड बी प्रोफेशनली मेंटेन। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि NSE ने एक सेपरेट कंपनी ही सेटअप किया हुआ है इंडेक्स को लेकर, तो वो प्रोफेशनली मेंटेन होती है। ठीक है, अब जो इंडेक्स होता है इसके ना 2 क्राइटेरिया होते हैं कि इंडेक्स तो हमने फॉर्म कर लिया ओके, अब ये डिसाइड करना है कि कौन सी कंपनी यहाँ पे एंटर करेगी और कौन सी कंपनी एंटर नहीं करेगी। तो ये क्राइटेरिया क्या होता है? तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो होता है वो होता है इम्पैक्ट कॉस्ट का ओके, और जो सेकेंड क्राइटेरिया होता है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है, सेकेंड क्राइटेरिया होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का। ठीक है, शॉर्ट में लिखती हूँ मार्केट कैप। तो ये 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे इंडेक्स का फॉर्मेशन होता है। प्लस यहाँ पे एक और क्राइटेरिया होता है कि जो भी स्टॉक इंडेक्स में जाने वाला है अगर दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है,
बट फ्यूचर में लिस्टेड नहीं है, ठीक है, फ्यूचर में लिस्टेड नहीं है तो उसको इंडेक्स में इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर फ्यूचर में लिस्टेड है वो स्टॉक तो ही उसको इंडेक्स में इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। सो दो क्राइटेरिया होते हैं इंडेक्स को फॉर्म करने के, फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट कॉस्ट एंड सेकेंड वन इज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को किस तरीके से यूज किया जाता है, तो जैसे निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 का कहना है कि जो एनएससी एक्सचेंज की जो टॉप 50 कंपनीज रहेंगी वही उस इंडेक्स में रहेंगी, उसके अलावा एक भी कंपनी उस इंडेक्स में नहीं रहेगी। तो जिस भी कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे हाईएस्ट होता है, जो टॉप 50 मार्केट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां हैं वही निफ्टी 50 में ऐड हो पाती हैं, बाकी नहीं ऐड हो पाती हैं। सेकंड, उसको ये भी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है कि वो फ्यूचर में भी लिस्टेड हो। अगर कंपनी फ्यूचर में लिस्ट नहीं है लेकिन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका ज़्यादा है तो भी वो इंडेक्स में इंक्लूड नहीं हो सकती। ओके, देन हम ये इम्पैक्ट कॉस्ट समझ लेते हैं। इस पर भी एक क्वेश्चन आता है, नॉर्मली डायरेक्ट डेफिनेशन ही आ जाती है, तो डेफिनेशन आप चाहें तो नोट करके रखिए। लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी है वही, उसी को ही हम इम्पैक्ट कॉस्ट से डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको कुछ बिड्स रखी हुई दिख रही हैं, कोई बायर है जो 1000 क्वांटिटी 4 रुपये पे खरीदना चाह रहा है, कोई सेलर है जो 2000 क्वांटिटी यहाँ पे 4 रुपये 50 पैसे पे बेचना चाह रहा है ना। उसी तरीके से ये 1000 क्वांटिटी हैं जो कि 3.90 पे बाय के लिए रखी हुई हैं, और कुछ 1000 क्वांटिटी हैं जो 4.50। अगर कोई भी पर्सन आता है, कोई भी फॉर सपोज राहुल आया है ना, अब राहुल बोल रहा है कि उसको 3000 क्वांटिटी जो है वो खरीदनी है, तो 3000 क्वांटिटी खरीदने के लिए यहाँ पे देखो सेल के लिए कितने, हम जो व्यक्ति सेल कर रहा है उसी, ये जो सेलर है इसी से हम खरीदेंगे, तो 2000 क्वांटिटी राहुल को मिल रही है 4 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, और 2000 क्वांटिटी राहुल को मिल रही है 4 रुपये 55 पैसे के हिसाब से। मतलब राहुल को जो एवरेज को, अगर वो खरीदता है मार्केट से, तो राहुल को जो एवरेज कॉस्ट पड़ेगी वो 4.52 की पड़ेगी, ठीक है। अब राहुल 4 रुपये 50 पैसे में भी 3000 क्वांटिटी खरीद सकता था अगर यहाँ पे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता। लिक्विडिटी मतलब अगर यहाँ पे लिमिटेड नहीं रखे होते ऑर्डर्स, अगर यहाँ पे अनलिमिटेड ऑर्डर रखे होते या यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होती, फॉर सपोज 10000 क्वांटिटी यहाँ पे रखी हुई होती, ठीक है, तो राहुल मार्केट रेट से 4.50 के प्राइस से वो खरीद सकता था, बट चूंकि यहाँ पे कम लिक्विडिटी होने के कारण उसको 4.52 देना पड़ा, मतलब उसको 2 पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो ये जो 2 पैसा उसको एक्स्ट्रा देना पड़ा ये इम्पैक्ट कॉस्ट होती है, ठीक है, इसी को इम्पैक्ट कॉस्ट बोला जाता है। तो जिस कंपनी की इम्पैक्ट कॉस्ट जितनी कम होती है वो उतना उसको, मतलब इंडेक्स में उतना अच्छा माना जाता है, बट ये बहुत निग्लिजिबल पॉइंट है। मेन तो जो रहता है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ही रहता है, उसी के बेसिस पे जो है इंडेक्स में एंट्री दी जाती है किसी भी स्टॉक को। ओके, देन अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इंडेक्स मैनेजमेंट, मतलब इंडेक्स का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो इंडेक्स को मैनेज करने का तरीका दो है, एक तो इंडेक्स कंस्ट्रक्शन, तो जो भी इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें लिक्विडिटी प्रॉपर रहनी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर रहना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, कि फॉर सपोज अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं, अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 में रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ओके, देन HDFC है, HDFC बैंक है, ओके, देन बजाज फाइनेंस है, देन बजाज ऑटो है, देन भारती एयरटेल है,
ओके, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, रिलायंस ऑयल कंपनी है ना, एचडीएफसी बैंक बैंक है, फाइनेंस यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंस से ही है, देन बजाज ऑटो ऑटोमोबाइल कंपनी है, गाड़ियाँ बनाती है, देन भारती एयरटेल यहाँ पे ये टेलीकॉम कंपनी है। तो इस निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, इसमें डाइवर्सिफिकेशन है, अलग अलग तरह की कंपनियाँ हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन होने के कारण क्या हो पाता है कि आप सभी सेक्टर को एक पर्टिकुलर इंडेक्स के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, इंडिकेट करता है वो सभी सेक्टर्स को एक साथ। तो एक अच्छे इंडेक्स की क्या क्वालिटी होती है कि वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, ओके, और लिक्विडिटी होना चाहिए। लिक्विडिटी का मीनिंग आप कहीं पे लिखना चाहें तो नोट कीजिए, बार बार आपको सुनने को मिलेगा। लिक्विडिटी का सिंपल मीनिंग क्या होता है, वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम। लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब होता है वॉल्यूम्स, मतलब आप कुछ भी शेयर को बाय या सेल करने के लिए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1,000 क्वांटिटी बाय करने के लिए सुबह से शाम हो गई और आपकी 1,000 क्वांटिटी जो है बाय नहीं हुई। हाँ, ये अलग बात है कि प्राइस जो है वो 100 रुपये चल रहा है और आपने 50 रुपये पे ऑर्डर रखा है तो फिर सुबह से शाम हो जाएगी। बट अगर आपने 1,000 क्वांटिटी मार्केट रेट पे या जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर आप खरीदने के लिए बिट रख रहे हो तो वो एट अ टाइम जो है आपकी बाय हो जानी चाहिए, मतलब वहाँ पे प्रॉपर बायर और सेलर है। तो नंबर ऑफ बायर और सेलर को ही लिक्विडिटी बोलते हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बायर और सेलर रहते हैं तो उसको बोलते हैं हाई लिक्विडिटी, अगर कम रहते हैं तो उसको बोलते हैं लो लिक्विडिटी, ठीक है। देन सेकेंड क्या है हमारा, मेंटेनेंस और इंडेक्स रिवीजन। मेंटेनेंस मतलब जो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी कंपनीज हैं तो जो कंपनी इंडेक्स में लिस्टेड है तो वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है कि नहीं, इम्पैक्ट कॉस्ट और एक और कौन सा था, फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन, इम्पैक्ट कॉस्ट और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है। फिर मेंटेन करना कि जो प्राइस है वो प्रॉपर फ्लक्चुएट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएशन इन स्टॉक्स, और रिवाइज करना कि जो प्राइस फ्लक्चुएट होता हुआ दिख रहा है वो करेक्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो दैट मीन्स उसका हम सिंपल मीनिंग बोलें तो जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। देन हम सेकेंड हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन कौन से मेजर इंडाइसेस हैं। तो मे भी आपने पूरे वीडियो में मेरे मुंह से आई थिंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में तो सुन ही लिया है, राइट। तो जो मेन इंडाइसेस हैं वो कुछ ये हैं। इनमें से जो ट्रेडेबल इंडाइसेस हैं, S&P, BSE, सेंसेक्स है, BSE मिड कैप है, BSE 100 है, BSE 200 है, BSE 500 है, निफ्टी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500। बट इसमें से जो ट्रेडेबल इंडेक्स है, ओके, आप ये भी नोट करके रखिए कहीं पे, इस पे भी क्वेश्चन आता है, जिन पे ट्रेड होता है कहाँ पर, फ्यूचर्स में जो ट्रेडेबल इंडेक्स है वो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और निफ्टी IT। निफ्टी IT मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज हैं वो निफ्टी IT में इंक्लूड होती हैं। अब निफ्टी 50 की मैं बात करूं तो इसमें टॉप 50 कंपनीज होती हैं और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है, मतलब उसमें सब सेक्टर्स की कंपनी आ जाती हैं निफ्टी 50 में। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो इसमें टॉप 20 बैंक्स हैं, ठीक है, बट ओनली बैंक्स से, बैंक्स के अलावा कोई भी नहीं, जो टॉप 20 बैंक्स है बस वही आती हैं। देन अगर मैं निफ्टी IT की बात करूं तो इसमें जो भी टॉप आई थिंक 30 है, मुझे ये कंफर्म नहीं है, 30 है या फिर 50 है, तो जो भी टॉप 30 या 50 कंपनीज हैं वो निफ्टी IT में आती हैं।
और ये जो तीनों इंडेक्स हैं ये एनएससी के हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। और जो बीएससी का जो बहुत पॉपुलर है, मतलब बोला जाए तो वो है सेंसेक्स। इसमें 30 कंपनीज हैं, टॉप 30 कंपनीज हैं। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है ना कि यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि निफ्टी 50 में कितनी कंपनीज लिस्टेड हैं। तो 50 कंपनीज लिस्टेड हैं, और सेंसेक्स में कितनी कंपनीज लिस्टेड हैं, तो 30 कंपनीज लिस्टेड हैं। और इसका एक और फ्यूचर के लॉट साइज पे भी इस पे क्वेश्चन बनता है, निफ्टी 50 पे और सेंसेक्स पे। तो वो जब हम फ्यूचर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो तब मैं आपको उसमें क्लियर करूँगी। ओके देन, तो ये मेन मेजर इंडाइसेस हैं। आप ध्यान रखिएगा कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, ये तीनों ट्रेडेबल इंडेक्स हैं, इन पे ट्रेड होता है फ्यूचर्स में। बाकी ये जितने भी इंडेक्स हैं इन पे ट्रेड नहीं होता, ये जस्ट एक इंडिकेटर्स हैं, या फिर इनको एज अ बेंचमार्क की तरह यूज किया जाता है मार्केट में। ओके देन, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्सेस, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एप्लीकेशंस क्या है, इंडेक्स किस किस चीज के लिए यूज आता है। तो इंडेक्स से इंडेक्स फंड्स बनाए जाते हैं। इंडेक्स फंड्स में भी आपने सुना होगा कि निफ्टी ईटीएफ, बैंक निफ्टी ईटीएफ, निफ्टी 20, बैंक 20। तो ये जो फंड होते हैं ये स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जितना पर्टिकुलर इंडेक्स रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, जैसे अगर निफ्टी का कोई फंड है, निफ्टी का कोई ईटीएफ है, तो जितना निफ्टी एक साल में रिटर्न दे रही है उतना ही उस इंडेक्स को भी रिटर्न देना होगा। देन इंडेक्स डेरिवेटिव्स, तो इंडेक्स डेरिवेटिव के लिए कैसे यूज होते हैं, एज अ अंडरलाइंग असेट। जैसा मैंने बताया था, अगर निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 फ्यूचर का जो प्राइस है वो किससे डिराइव्ड होगा, निफ्टी 50 से डिराइव्ड होगा, तो एज अ अंडरलाइंग असेट बिहेव करते हैं। ओके देन थर्ड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ यहाँ पे इंडेक्स फंड में। तो दिस बोथ आर सिमिलर, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो इंडेक्स फंड की बात की गई है ये म्यूचुअल फंड को रिलेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ये इंडेक्स फंड की बात की गई है तो ये एमएफ को रिलेट कर रहा है। और ये जो है ईटीएफ, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये बास्केट्स बनाते हैं सिक्योरिटीज की। आप ये कौन सी सिक्योरिटीज की बास्केट बनाएंगे, मतलब ये कौन सी सिक्योरिटीज से फंड बनाएंगे जो कि पर्टिकुलर, जैसे अगर किसी ने निफ्टी का ईटीएफ बनाया किसी भी फंड मैनेजर ने, ओके, तो वो निफ्टी को परचेज नहीं करेगा, निफ्टी में जो 50 कंपनीज हैं उनके वेटेज के अकॉर्डिंग, जिसका फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है उसका वेटेज ज्यादा है, जिसका कम है उसका कम वेटेज है, तो वेटेज के अकॉर्डिंग उतना उतना अमाउंट उन 50 कंपनीज में वो इन्वेस्ट करेगा। तो इस तरीके से जो है निफ्ट ईटीएफ एज अ ईटीएफ ट्रेडेड फंड के लिए भी ये यूज आता है। ओके सो यहाँ पे ये हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडेक्स वाला जो टॉपिक है ये फिनिश हो जाता है, ठीक है। इसका हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ओके सो हमने आज क्या पढ़ा कि जो इंडेक्स है, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स एक पोर्टफोलियो है, किसका, सिक्योरिटीज का, या मैं स्टॉक्स बोल सकती हूँ उन सिक्योरिटीज को। और ये कैसे डिफाइन होता है, वैल्यू से डिफाइन होता है। ये इन स्टॉक्स की जो इंफॉर्मेशन है या जो प्राइस फ्लक्चुएशन है, जो प्राइस में जो मूवमेंट आ रही है उसको ये वैल्यू में डिफाइन करता है। अगर इंडेक्स अपसाइड मूव कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि मार्केट क्या है, बुलिश है। बुलिश मतलब मार्केट तेजी में है, आप मूव कर रहा है, प्लस मूव कर रहा है, पॉजिटिव साइड मूवमेंट कर रहा है। अगर मार्केट डाउन साइड मूवमेंट करता है, नेगेटिव दिखता है, माइनस में दिखता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, जैसे इसको बुलिश बोलते हैं उसी तरीके से इसको बियरिश बोलते हैं, मतलब
जो पॉजिटिव मार्केट है वो बुल को इंडिकेट करते हैं, और जो नेगेटिव मार्केट है वो बियर को इंडिकेट करते हैं। देन हमने सिग्निफिकेंस पढ़ा, तो सिग्निफिकेंस क्या है, इंडेक्स कैसे कैसे यूज आ जाता है, एज अ इंडिकेटर यूज आता है, एज अ बेंचमार्क यूज होता है जो कि हमने एप्लीकेशन में भी पढ़ा है ना, और एज अ अंडरलाइन यूज होता है, ठीक है। और यही सेम यही तीनों इसकी मेन एप्लीकेशंस भी हैं। देन हमने एक और चीज क्या पढ़ी, टाइप्स पढ़े, फोर टाइप्स के होते हैं इंडेक्स, है ना। तो फर्स्ट हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज इंडेक्स पढ़ा है, सेकेंड हमने फ्री फ्लोट पढ़ा है, थर्ड हमने क्या पढ़ा है, प्राइस वेटेज पढ़ा है, और फोर्थ हमने इक्वली वेटेज पढ़ा है। और हमारा जो इंडियन मार्केट है वो कौन सा इंडेक्स टाइप यूज करता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स का टाइप यूज करता है। मतलब हमारे इंडियन मार्केट में जितने भी इंडेक्स हैं वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, ठीक है। देन हमने एक और चीज पढ़ा, एट्रीब्यूट्स पढ़ा। तो एट्रीब्यूट्स में हमने क्या पढ़ा, एट्रीब्यूट्स में हमने पढ़ा कि दो क्राइटेरिया होते हैं किसी भी स्टॉक को इंडेक्स में एंटर करने के। फर्स्ट होता है इम्पैक्ट कॉस्ट। अगर उसकी इम्पैक्ट कॉस्ट, यहाँ पे मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 1 से छोटी है तो वो स्टॉक सबसे अच्छा है, बेस्ट है इंडेक्स में आने के लिए। और सेकेंड होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप, है ना, इसको हम शॉर्ट में यूज कर लेते हैं। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका हाईएस्ट होना चाहिए, जिसका हाईएस्ट रहेगा वही इंडेक्स में एंटर कर सकता है। और एक और थर्ड है कि वो फ्यूचर मार्केट में भी लिस्टेड होना चाहिए कंपनी। अगर फ्यूचर मार्केट में लिस्टेड नहीं है तो वो इंडेक्स में इंक्लूड नहीं हो सकती है, ठीक है। एंड और हमने क्या पढ़ा है, और हमने ये देखा है कि मैनेजमेंट कैसे होता है, है ना। तो वो ठीक है, वो दो तरीके से मैनेजमेंट होता है, एक कंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे और एक मेंटेनेंस के बिहाफ पे। ओके, सो ये सब जो है पॉइंट्स आपको नोट करके अपने पास में रखने हैं, ताकि आपको एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। अगर आप ये इतना भी बेसिक भी पढ़ के जाते हैं जो लास्ट हमने रिवाइज किया है, तो इसके बेसिस पे भी आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं अच्छे से, ठीक। बाकी अगर आपको कुछ और भी डाउट है पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कीजिए। मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपको उसका रिवर्ट करूँ। ओके, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें जो NISM इक्विटी डेरिवेटिव के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।